किसमें डाउट है यार, वॉल्यूमेट्रिक या मोल? वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक ठीक है, बोलो। बोलो। फोर। ओके। फोर के बाद नेक्स्ट बोलो। एक ही है क्या? 20। फोर 20। लेवल वन में दो ही है। हाँ सर। लेवल टू बोलो। वन। ओके। अच्छा लेवल वन में 30। सर वो भी है। हाँ और लेवल टू 34। 34। फोर या 34? दोनों। और बोलो इतना ही है। 28। वन का या टू का? टू। 17। 33। और इसके अलावा 1 2 में इतना ही है ना? Yes। PYQ 1 2 1 2 13 7 कितना? 3 5 और 7 3, 5 and 7 3 और 5 अलग अलग। अच्छा 3 और 5 अलग अलग और 7 भी है। Yes। और 32 19 19। Yes। हो गया है। और भी है? पेज 258। पेज 258 कौन सा है? फर्स्ट 3 4 5 और 6 3 4 5 and 6 और 11। 11 बस हो गए सारे। और भी है क्या इसके अलावा? सर 259 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 बस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेवल वन में क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिपेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। देखो H2SO4 किस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा? तो खुद रिड्यूस होना चाहिए। H2SO4 खुद क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहिए। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में सल्फर जो है, ये सॉरी फॉस्फरस जो है उसका +5 था लेफ्ट हैंड साइड, एंड प्रोडक्ट में भी +5 ही रहा है। तो फॉस्फोरस का चेंज नहीं हुआ, सल्फर का भी दोनों साइड +6 है। सेकेंड वाली रिएक्शन देखो एसिड बेस रिएक्शन, वहां पर भी सल्फर जो एसओ फोर के फॉर्म में ही है, तो वहां पर चेंज नहीं हुआ है। थर्ड वाली रिएक्शन भी अगर देखोगे तो वहां पर भी एसओ फोर फॉर्म में ही सल्फर है, तो चेंज नहीं हो रहा है। लास्ट रिएक्शन में देखो एसओ फोर से एसओ टू आ रहा है, तो लास्ट वाली रिएक्शन जो है वो एक्चुअली क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग वाला हो गया। समझ आई नहीं आया? ठीक है, लास्ट वाली रिएक्शन में सल्फर खुद रिड्यूस हो रहा है, +6 से +4 जा रहा है,
और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्लियर है क्या, समझ आया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनआई, तो क्लास में कराया ना यार, एनआई सी होल फोर का तो क्लास में कराया, सीओ का कितना होता था, जीरो। तो एक्स क्या आएगा यहां से, जीरो आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 30, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ MnC2O4, यार C2O4 हमने बताया था क्या होता है, याद आया? C2O4 इज ऑक्सीलेट आयन ना, तो C2O4 पे क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव होता है ना, तो Mn पे क्या होगा, प्लस 2 होगा ना। यस, क्लियर है क्या? यस, सो हो गया लेवल 1। देन लेवल 2, तो लेवल 2 का 1 देन 4, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट पता करना, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है भाई, तो रिएक्शन हमारे पास ये है, तो देखो यहाँ पर एक्चुअली ये जो है प्लस 3 है यहाँ पर, और इसमें देखोगे तो Fe का प्लस 2 है, तो Fe जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पर H2O2 में -1 है, और यहाँ पर देखोगे तो -2 है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, है ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ आया क्या? तो इसका n फैक्टर क्या है यार, चेंज कितने का है, -1 से -2, 1 का चेंज, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो n फैक्टर क्या आया, 2 आया ना, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका, इक्विवेलेंट वेट क्या बताया था, मोलार मास बाय n फैक्टर ना, तो कितना आ गया, 17 आ गया। क्लियर है क्या? Yes. इसका क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज प्लस 3 इन, तो यार यहां पर तुम्हें ये जो मॉलिक्यूल के जो नाम दिए हैं ना उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, तो अभी ये तुम्हें पी ब्लॉक एलिमेंट में एक्चुअली पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट जो है, सॉरी कौन सा एसिड जो है उसका फॉर्मूला क्या है, अभी के लिए तुम या तो नेट पे देख लो कि क्या है, है ना, या फिर याद रख लो, है ना, तो फोर्थ का फर्स्ट वाला जो है उसमें ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, तो ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड जो है ये होता है H3PO3, तो यहां पर क्या आएगा, फॉस्फोरस का प्लस 3 आएगा, ओके। इसके अलावा अगर ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है जो कि सेकंड वाले में दिया है, तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, तो यहाँ पर फॉस्फोरस का प्लस 5 आएगा, ठीक है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड जो है वो इसी के दो मॉलिक्यूल लेता है और उसको हीट करते हैं, उसका फॉर्मूला है H2O निकलता है, तो H4P2O7, तो यहाँ पर भी फॉस्फोरस का प्लस 5 ही रहता है, ठीक है। एंड मेटाफॉस्फोरिक जो उसमें भी प्लस 5 है, तो एक्चुअली फॉस्फोरिक वाले जो है जनरली प्लस 5 वाले हैं, और फॉस्फोरस वाले जो होते हैं वो प्लस 3 वाले होते हैं जनरली, ठीक है, जनरली बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। क्लियर है क्या? यस। देन इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास 17, Which of the following statement is not correct?
2 moles of electrons are used in the reduction of MnO4 negative to MnO3 negative. देखो, so MnO4 negative से MnO3 MnO3 negative आया, तो यहाँ पर plus 7 है, इसमें कितना यार calculate करो, plus 5 है क्या? X plus इसमें plus 5 है ना, तो कितने electron use होंगे यहाँ पर? N factor इसका जितना उतना electron use होंगे, कितने electron होंगे? 2. ओके, दिया कितना है? 2 मोल दिया है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है, करेक्ट है ना? नेक्स्ट है 3 इलेक्ट्रॉन्स पर क्लोरियम सॉरी पर क्रोमियम एटम आर यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ डाइक्रोमेट बाय. अब देखो Cr2O7 2 नेगेटिव गिव Cr3 पॉजिटिव, तो यहां पर इसकी बात कर रहा है कि इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए जाएंगे, मतलब इसका n फैक्टर निकालने को बोल रहा है. तो देखो प्लस 3 से प्लस 6 चेंज कितने का है? 3 का, और इसका n फैक्टर पूछेगा तो ये नंबर ऑफ एटम्स हम क्या लेंगे? 1 लेंगे, ठीक है. तो चेंज 3 का नंबर ऑफ एटम्स 1 तो 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन. अगर इसके लिए बोलता देन मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ता, बिकॉज इसमें कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है. समझ आया क्या? पर क्रोमियम एटम की बात हो रही है, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी करेक्ट है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन पोटेशियम सुपरऑक्साइड, ये भी करेक्ट है, हमने लिखवाया था रूल्स में, याद है? सुपरऑक्साइड में ऑक्सीजन का माइनस हाफ होता है. द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, दैट इज रॉन्ग ना? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है कि कम होता है? ऑक्सीडेशन जो है उसमें बढ़ता है और रिडक्शन में कम होता है, तो ये रॉन्ग हो गया. क्लियर है क्या? यस. तो 17 में लास्ट वाला रॉन्ग है सर. यस बोलो सर. वो नेक्स्ट पेज एक बार दिखा दे. हाँ सर, उसमें वो H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हो, एक बार एक्सप्लेन कर. देखो रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है. एक मिनट रुको रुको, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा. एक मिनट, ये एक्चुअली रिएक्शन शायद रॉन्ग दिया. देन क्वेश्चन नंबर 1 है ना? Fe प्लस 3 से प्लस 2 गया, तो ये रिड्यूस हुआ. अब एक्चुअल में ये O2 ये होना चाहिए, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होना चाहिए ना, तो आई थिंक ये O2 होगा. ये जो है ना ये रॉन्ग दिया, आई थिंक इधर क्या होगा? O2 होगा ये. ओके, यहाँ पर रॉन्ग दिया सर, ठीक है? यस. हाँ, O नहीं है, O नेगेटिव नहीं है, O2 होगा वो, क्योंकि H2O2 जो है वो क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइज होना चाहिए. ओके, देन 28 सर. हाँ बोलो सर. उसमें H2O2 में H2O के रिस्पेक्ट में हम लेंगे कि O2 के रिस्पेक्ट में? देखो H2O तो यार दूसरी वजह से भी आ सकता है, याद है? H2O हम H2O की जब बात करते, जब रिएक्शन को बैलेंस करते थे, तो H2O जो है वो ऑक्सीजन बैलेंसिंग वगैरह में भी आ जाता था ना. yes. ठीक है, तो H2O तो हम ड्यू टू ऑक्सीजन बैलेंसिंग भी ऐड कर सकते हैं. ओके तो उसके रेस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे फिर. ओके मतलब हम ऐसा वो तुम इससे देख सकते हो. देखो इधर वाला ऑक्सीजन और इधर वाला ऑक्सीजन दोनों जगह -2 है. हाँ ना, समझ आया? नहीं आया? yes. हम ऐसा बोल सकते हो इसकी वजह से आ रहा होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्या था? 28 था ना? नेक्स्ट इज 28.
among the following identify the species with an oxidation plus six. So yaar के फर्स्ट वाले में क्या है प्लस सेवन है एमएन का yes. सेकंड वाले में सीआर का अगर देखोगे कैलकुलेट करोगे तो एक्स प्लस जितने सीएन है सिक्स हर सीएन का माइनस वन होता है इज इक्वल टू माइनस थ्री यहाँ से एक्स आ जाएगा प्लस थ्री थर्ड वाले में एन आई का कैलकुलेट करोगे एक्स प्लस सिक्स इंटू फ्लोरिन का माइनस वन होता है इक्वल टू माइनस टू तो एक्स आया प्लस फोर एंड लास्ट वाले में देखो CrO2 Cl2 x plus 2 times of oxygen का minus 2, 2 times of chlorine minus 1 equal to 0, तो Cr कितना आया? Plus 6. समझ आया क्या? Yes. ठीक है? So, ये हो गया, then इसके बाद, 33. थर्टी थ्री अच्छा देखो थर्टी थ्री में एंड थर्टी फोर दोनों सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है यहां पर HCl क्या काम कर रहा है यार एसिड का काम कर रहा है बेस का काम कर रहा है क्या काम कर रहा है बताओ क्या काम कर रहा है HCl देखो ध्यान से एसिड बेस मतलब एसिड का काम कर रहा है कि HCl देखो जब HCl एसिड का काम करता है तो उसका n फैक्टर वन हो जाता है ना लेकिन एसिड का काम कब करेगा जब एसिड बेस रिएक्शन होगी यहां पर HCl जो है वो एसिड बेस रिएक्शन कर ही नहीं रहा ध्यान से देखो HCl क्या कर रहा है यहां पर देखो KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है और KMnO4 जो है उसमें देखो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है ना ठीक है तो Mn जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सेवन से प्लस टू गया है रिड्यूस हुआ है तो Cl देखो ऑक्सीडाइज हुआ है माइनस वन से Cl एक्चुअली जीरो गया लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये माइनस वन में भी रह गया है ठीक है तो n फैक्टर क्या होता था यार ऑब्वियसली इक्विवेलेंट वेट निकालना है मतलब मोलार मास में n फैक्टर करेंगे तो एक n फैक्टर क्या होता था जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते थे तो कि यार पर मोल के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन हुए लॉस हुए वही था ना तो यार एक HCl जो है कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है देखो HCl का ऑब्वियसली यहां से देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो रहा है माइनस वन से जीरो जा रहा है मतलब बढ़ रहा है HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पर HCl कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे ये देखो देखो दो तरह से क्वेश्चन कर पाएंगे एक पहले मैं पहला जो तरीका है वो बता देता हूं इलेक्ट्रॉन वाला टोटल 16 सीएल थे ना उस टोटल 16 सीएल में से 4 सीएल जो है वो माइनस वन में ही रहे देखो दो इधर और चार इधर है ना तो टोटल 16 सीएल थे उनमें से 6 सीएल जो है वो माइनस वन में ही रहे मतलब उनकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस नहीं हुआ क्लियर है yes. 10 Cl माइनस वन से जीरो में चले गए तो 10 Cl माइनस वन से जीरो में चले गए तो उनके वैसे 10 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे है कि नहीं yes. टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं लेकिन किसके लिए 16 HCl के लिए ओके तो एक HCl के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यार ठीक है 16 HCl के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई 10 इलेक्ट्रॉन तो एक HCl के कितने इलेक्ट्रॉन हुए 10 बाई 16 क्या yes. बोल सकते हैं 5 अपॉन 8 तो ये इसका n फैक्टर हो जाएगा क्लियर है क्या yes. तो ये इसका n फैक्टर हो गया तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा इट इज मोलार मास बाय n फैक्टर ठीक है तो ये अपने पास आ जाएगा क्लियर है क्या सबको yes. तो एक तरीका तो ये है
दूसरा तरीका भी हमारे पास है, देखो दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब 34 ऐसा यस कर लोगे ना, 34 वैसे सेम तरीका यूज करके, है ना, लेकिन इसका एक और तरीका है देखो करने का, 33 का। ये जो है स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन एक तरह से मोल इसी तरह लिए जा सकते हैं, नहीं लिए जा सकते है ना, मतलब इसके 2 मोल इसके 16 मोल से रिएक्ट करेंगे, है ना, बोल सकते हैं ना। इसका एन फैक्टर क्या है, KMnO4 का यार, KMnO4 का एन फैक्टर क्या है, पाई का चेंज नंबर ऑफ एटम्स 1 तो 5 ना। यस, अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे, यही बोलता है ना। यस, तो इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए, तो इसके देखो नंबर ऑफ मोल्स 2 इनटू एन फैक्टर 5 इज इक्वल टू इसके नंबर ऑफ मोल 16 इनटू इसका एन फैक्टर, समझ आया क्या। Yes. ऐसे अगर हमें कोई रिएक्शन दिया उसमें एक का एन फैक्टर पता है, ऑब्वियसली बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, तो दो में से किसी एक का एन फैक्टर पता है तो दूसरे का एन फैक्टर निकाला जा सकता है। अगर इस टाइप की कुछ रिएक्शन तुम्हें दी हुई है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी हो रहा है और सेम भी रह रहा है ना, कुछ अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करें कुछ एज इट इज रहे, तो ऐसे केस में एन फैक्टर निकाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। या तो तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो कि पर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हुए, या फिर दूसरा तरीका क्या है ये वाला, दोनों के इक्विवेलेंट सेम कर दो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मोल्स ले सकते हैं, तो इसके मोल्स 2 इसके 16, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इसका, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इसका सेम होना चाहिए, तो एन फैक्टर क्या आया 5/8 आ गया ना। yes. समझ आया सबको, ठीक है, तो सिमिलरली 34 हो जाएगा। ओके सेम ऐसा ही 34 हो जाएगा। सर हाँ बोलो सर, जब क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड रहता है तो उसका -1 ही रहता है क्या? नहीं, क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना यार ऑक्सीजन, ये तो हमने एग्जांपल में मतलब जब रूल्स लिखवाए थे तब बताया था कि हैलोजन का जनरली -1 होता है, लेकिन अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन हो गए देन प्लस हो जाता है। सर जो पीरियड का फोर्थ आपने -1 इधर, यस, इसमें सीआर से कंबाइन है ऑक्सीजन जो है वो सीआर से और क्लोरीन भी सीआर से। यस ओके, जो क्लोरीन है ना वो ऑक्सीजन के साथ नहीं है, क्लोरीन सीआर के साथ। yes. चले आगे। yes. ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पर PYQ का 1, 2, 3 देन 5 देन 7। ओके तो फर्स्ट वाले में देखो H2O2 plus O3 gives H2O plus twice O2, H2O2 plus Ag2O gives Ag plus H2O. याद रखना ओजोन जो है ना भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में H2O2 फिर क्या काम करेगा बताओ, H2O2 क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, क्लियर है क्या, ठीक है। एंड सेकेंड वाली रिएक्शन में हम साफ साफ देख रहे हैं कि H2O2 plus Ag2O gives Ag plus H2O plus O2, तो यहाँ पर Ag जो है +1 से 0 में गया मतलब रिड्यूस हुआ ना, तो रिड्यूस इसी ने किया होगा, तो ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम कर रहा है। ओके, दोनों रिएक्शन में जो H2O2 है किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, मतलब आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए भाई, रिएक्शन कब हो सकती है जब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर ले एक रिड्यूसिंग एजेंट का, या हम बोल सकते हैं कि एक ऑक्सीडाइज हो जाए दूसरा रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो यार HG जो है उसका +1 और +2 दोनों होता है, SN का +2 एंड +4 दोनों होता है,
प्लस टू से प्लस फोर SN जा सकता है, और देखो थर्ड वाला हो गया, थर्ड वाला एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है, कैसे, क्योंकि Fe जो है ना ये प्लस टू से प्लस थ्री जाएगा और SN जो है वो भी प्लस टू से प्लस फोर जाएगा, तो दोनों तो थोड़ी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। समझा ही नहीं आया, एक ऑक्सीडाइज होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, होना चाहिए, तो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में है, ठीक है, तो यहाँ पर तो दोनों ही ऑक्सीडाइज होंगे, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। समझा ही नहीं आया सबको, ठीक है, इसलिए थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों साथ में रह सकते हैं, मतलब इनकी आपस में रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। देन थर्ड वाला, द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विद H2O2, देखो एसिडिक मीडियम हमने बताया था किसमें जाता है, KMnO4 किसमें जाएगा, एसिडिक मीडियम में किसमें जाएगा भाई, Mn2 पॉजिटिव में जाएगा ही नहीं जाएगा, रिड्यूस होगा ना, तो अगर ये रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, O2 देगा, समझाया, समझ आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन Cl2 गैस रिएक्ट्स विद, अच्छा ये नॉलेज बेस्ड है, आगे आएगा ये पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट करता है तो यहां पर देखो क्या है, बता देता हूं, Cl2 प्लस NaOH, Cl2 प्लस NaOH, कोल्ड के केस में और हॉट के केस में अलग अलग आएगा, कोल्ड के केस में अब देखो दोनों जगह NaCl तो मिलता ही है, डिस्प्रोपोर्शन वाला रिएक्शन एक्चुअली है, दोनों जगह NaCl मिलेगा, ये हम बोल सकते हैं Cl नेगेटिव मिलेगा, साथ साथ कोल्ड के केस में NaClO आएगा एंड NaClO3 आएगा, याद रखना, तो जीरो से यहाँ पर -1 और +1 जाता है कोल्ड में, और हॉट में 0 से -1 एंड +5 जाता है, क्लियर है क्या, ठीक है, सो दिस इज नॉलेज बेस्ड, पिछला एलिमेंट चैप्टर में आएगा वैसे, लेकिन यहाँ पर पूछा है तो बता दिया हमने, है ना, याद रखना ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, मतलब KClO3, ऑक्सैलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड ड्यूरिंग द रासन, ऑब्वियसली रिएक्शन है वो, ड्यूरिंग द रिएक्शन विच एलिमेंट अंडरगो मैक्सिमम चेंज, यार देखो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड ना H2SO4, यही दिया है पोटेशियम, अच्छा पोटेशियम क्लोरेट, डाइक्रोमेट कहाँ दिया, डाइक्रोमेट नहीं दिया, सो पोटेशियम क्लोरेट दिया है, KClO3, ऑक्सैलिक एसिड दिया है, H2SO4 दिया है, तो यार इनकी हीटिंग रिएक्शन एक्चुअली पता होनी चाहिए तुम्हें, इसमें आता है KCl+O2, इसमें आता है H2O+CO+CO2, इसमें आता है H2O+SO3, तो लास्ट वाले में तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर -6 से -1 जा रहा है, तो आई थिंक यही हो जाएगा, +5 से -1 जा रहा है, तो Cl होगा आंसर, ऑक्सीजन होगा, एक मिनट ऑक्सीजन का देख लेते हैं, ऑक्सीजन -2 से जा रहा है, पर एटम की बात हो रही होगी, तो Cl आएगा, क्लियर है क्या सर, हाँ ये रिएक्शंस किसमें आएगी, देखो KClO3 वाली तो ऑलरेडी आ चुकी है, कहाँ ये बताओ, मोल कॉन्सेप्ट में KClO3 हीटिंग करके KClO2 देता, वैसे मैंने इसमें भी तो बताइए तुम लोगों को, जब हम डिस्प्रोपोर्शनेशन डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट एक्चुअली यही बताई थी हमने, और हमने बोला था कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं है,
ये रिएक्शन जो है पी ब्लॉक वाली हो गई है, सेकेंड और थर्ड. यस चले आ गए. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7. देन इसके बाद ये 1, 2, 3, 5, 7 देन 13 13 में देखो क्या है. इन द रिएक्शन SO2 प्लस H2S गिव्स, तो SO2 प्लस H2S गिव्स S प्लस H2O. तो यहां पर सल्फर जो है प्लस 4, यहां पर सल्फर माइनस 2, यहां पर 0. तो इसका हुआ है रिडक्शन और ये हुआ है ऑक्सीडेशन. क्या दिया है? द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज H2S ना भाई. ठीक है. देन इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज 13 हो गया. देन इसके बाद 19 एंड 32. Which of the following substance act as oxidizing as well as reducing agent? तो जब यार intermediate oxidation state में हो, तो हमने तुम्हें यार example भी तो बताया था NO2 negative, याद आया? हमने जब बताया था कि intermediate oxidation state में, तो हमने H2O2 और NO2 negative का example लिया था. ठीक है, तो ये NaNO2 actually वही है. Na का plus 3 oxidation number है, तो Na रिड्यूस भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है, माइनस 3 तक जा सकता है और ऑक्सीडाइज होके प्लस 5 तक जा सकता है नाइट्रोजन. क्लियर है? यस. ठीक है. देन इसके बाद आई थिंक 32 है डायरेक्ट. ओके सो नेक्स्ट इज 32. In which of the following reaction hydrogen is acting as oxidizing agent? मतलब खुद reduce होना चाहिए. तो यार hydrogen reduce होगा, मतलब metal के साथ combine होगा, तभी तो negative हो सकता है ना. वैसे H2 का कितना है? 0 है. तो hydrogen का negative कब होता है? जब metal के साथ combine होता है, याद आया? Yes. ठीक है. तो यहाँ पर H2 जो है वो 0 से माइनस 1 जा रहा है, मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा. आया नहीं आया? यस. ठीक है. सो ये हो गया. सो दिस इज पीवाईक्यू का फर्स्ट वाला पार्ट. देन इसके बाद ठीक है, नेक्स्ट इज 1, 3, 4, 5, 6, 11. ठीक है. तो क्रोमाइट, अच्छा क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या है भाई, पता होना चाहिए. तो क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeO. मैंने करा दिया ना ये वाले पार्ट, नहीं कराया क्या? ये तो हमने शायद डिस्कस कर लिया यार, नहीं किया? नहीं किया. ठीक है चलो. तो ये होता है FeO.Cr2O3. तो क्या होगा फॉर्मूला? प्लस 2 Fe का और इसमें प्लस 3. क्लियर है क्या? ठीक है. क्रोमाइट और का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये भी नॉलेज बेस्ड है. तो इसको अभी करेंटली तुम नेट से देख सकते हो, बाकी मेटलर्जी में आ जाएगा फॉर्मूला. ओके तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following have been arranged in decreasing order of oxidation number of sulfur? Yes, बोलो. Sir. हाँ. Sir, page number 258 वाले. अभी कौन से कर रहे हैं? अच्छा 255 वाले कर रहे हैं. Okay, sorry.
हाँ ठीक है. सो 258 में क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडीन आर लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड. तो देखो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और वो बोल रहा है क्या कि कितने मोल आयोडीन के निकलेंगे. तो ये रिड्यूस हुआ, सॉरी ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हो जाएगा. तो अब देखो एन फैक्टर क्या है यार, इसका एन फैक्टर क्या है, 3 का नंबर ऑफ एटम्स 2 तो 6 ना, और इसका एन फैक्टर क्या है, 0 से माइनस 1 का चेंज नंबर ऑफ एटम्स 2 तो 2. अब देखो मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 1 है, इसके एन फैक्टर 6, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर. ठीक है, तो इसका मोल्स हमारे पास निकालना है इनटू एन फैक्टर 2, तो एक्स क्या आ गया, 3 आ गया. समझ आया. बाकी दूसरा तरीका ये था कि इसको तुम बैलेंस कर लेते रिएक्शन को, एंड बैलेंस करके भी तुम्हें ये बैलेंस करने के बाद स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द कोएफिशिएंट ऑफ, अच्छा वो आईओ 3 नेगेटिव है, द कोएफिशिएंट ऑफ आईओ 3 नेगेटिव, द कोएफिशिएंट ऑफ आई थिंक आई नेगेटिव आईओ 3 नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव होगा. तो क्या होगा ये, आई नेगेटिव प्लस आईओ 3 नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव गिव्स I2 प्लस H2O. देखो इसके रेस्पेक्ट में जब देखोगे यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर 0, तो इंक्रीज कितने का है, इसके रेस्पेक्ट में देखोगे इंक्रीज कितने का, 1 का, एंड डिक्रीज कितने का है, इसके रेस्पेक्ट में देखो 5 से 0 कितने का डिक्रीज है, 5 का. तो दोनों सेम आने चाहिए, तो क्या करें, इंक्रीज वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दे. Yes. तो इधर हमने 5 लिख दिया. ओके, अब टोटल आयोडीन कितने हो गए, 6 हो गए ना, तो टोटल आयोडीन 6 हो गए, तो राइट हैंड साइड कितना आना चाहिए, 3I2 आना चाहिए. अब H2O मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो इधर 3H2O, फिर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो इधर 6H पॉजिटिव. क्लियर है क्या, 5, 1 and 6 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 3. द नेक्स्ट इज 4, 5, 6. तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, UO2 नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स UO2 2 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव प्लस H2. तो क्या पता करना है, XYZ पता करना. ओके सर, यस बोलो सर, UO2 प्लस रिएक्टेंट, UO2 प्लस, ओके UO2 प्लस, तो वो क्या है फिर, UO2 2 प्लस. ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का जब निकालोगे कितना आएगा, सॉरी U का जब निकालोगे प्लस 4 आएगा, यहाँ पर U का जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, है ना, यहाँ पर Cr का प्लस 6, यहाँ पर Cr का प्लस 3, यहाँ पर देखो इंक्रीज कितने का है, डिक्रीज 2 का है, डिक्रीज कितने का है, 1 CR का कितने से डिक्रीज हुआ, 3 से, लेकिन 2 CR है तो 6 से. तो दोनों सेम कब होंगे, जब इंक्रीज को 3 से मल्टीप्लाई करें. ठीक है, और ये अपने पास ऐसे आ गया. देन ऑक्सीजन के लिए कि देखो कितना है इधर, 3 ऑक्सीजन इसमें से डिसमिस हो गए, है ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी इधर है,
इधर सेवन थे तो इधर फोर आने चाहिए, क्लियर है क्या? ओके तो फोर एच एट हो गया, तो ये एट एच पॉजिटिव आ जाएगा, समझ आया क्या? देखो क्लियर है क्या भाई? Yes. तो थ्री वन वन तो दिया ही नहीं है, दिया है थ्री वन एट. ओके फिफ्थ वाला है के एम एन ओ फोर प्लस एन एच थ्री गिव्स के एन ओ थ्री प्लस एम एन ओ टू प्लस के ओ एच प्लस एच टू. तो यहाँ पर एम एन का प्लस सेवन, इसमें एम एन का प्लस फोर, यहाँ पर नाइट्रोजन का माइनस थ्री, इसमें प्लस फाइव, तो इंक्रीज कितने का है? माइनस थ्री से प्लस फाइव एट का इंक्रीज है, एंड डिक्रीज कितने का है? प्लस सेवन से प्लस फोर डिक्रीज, दोनों सेम करके जब इसे मल्टीप्लाई बाय थ्री करें और इसे मल्टीप्लाई बाय एट करें, है ना, तो इंक्रीज को मल्टीप्लाई बाय थ्री किया, डिक्रीज को मल्टीप्लाई बाय एट किया, कैलकुलेट क्या करना था? एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना था. आ गया ना, एक्स की वैल्यू क्या हो गई एट एंड वाई की वैल्यू क्या हो गई है थ्री, क्लियर है? Yes. ठीक है, इसके बाद में ये कौन सा हो गया भाई? सो फोर फाइव हो गया, सिक्स भी है. ओके सिक्स इलेवन, तो सिक्स में देखो क्या है, जेड एन प्लस एन ओ थ्री नेगेटिव गिव्स जेड एन टू पॉजिटिव प्लस एन एस थ्री. तो यहाँ पर जेड एन का जीरो, यहाँ पर जेड एन का प्लस टू, यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस फाइव, यहाँ पर नाइट्रोजन माइनस क्या एन एच सेम ही है वैसे, वो एन एच फोर प्लस में भी वही होगा. ठीक है, तो यहाँ पर माइनस थ्री, तो डिक्रीज कितने का है यार? देखो प्लस फाइव से माइनस थ्री एट का डिक्रीज है, इंक्रीज कितने का है? इंक्रीज जीरो से प्लस टू, टू का इंक्रीज है, तो इंक्रीज वाले को मल्टीप्लाई बाय फोर कर दो जिससे सेम हो जाए. हो गया बैलेंस? ठीक है, अच्छा पूरा रिएक्शन बैलेंस करना है अभी. OH नेगेटिव की भी बात कर रहा है तो बेसिक मीडियम लेंगे. तो अब देखो इतना हो गया हमारे पास. ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन किधर साइड है हमारे पास? OH नेगेटिव बोल रहा है ना साथ में, वो बैलेंस कर, चार्ज बैलेंसिंग है कि नहीं यार? चार्ज बैलेंसिंग देखो है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड वन नेगेटिव, राइट हैंड साइड कितना है? नाइन पॉजिटिव ना, तो टेन OH नेगेटिव आना चाहिए चार्ज बैलेंसिंग के लिए, क्लियर है क्या? Yes. ठीक है, तो चार्ज बैलेंसिंग हो गया, तो ठीक है फोर वन टेन हो जाएगा, क्लियर है क्या? Yes. Obviously अभी एच टू उधर डाल देंगे, किधर डाल देंगे, आई थिंक उधर ही आएगा एच टू, है ना, हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए. देन इसके बाद नेक्स्ट इज इलेवन, तो 11 में क्या है, इन एल्केलाइन मीडियम Cl O2 ऑक्सीडाइजेज H2O2 इन O2 एंड रिड्यूसेज इटसेल्फ इन Cl नेगेटिव होगा वो, तो Cl O2 प्लस H2O2 O2 plus Cl negative. Okay. So how many moles of H2O2 will oxidize by one mole of ClO2?
तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर प्लस फोर, यहाँ पर ऑक्सीजन का माइनस वन, यहाँ पर ऑक्सीजन का जीरो, यहाँ पर माइनस वन. तो n फैक्टर क्या है इसका? Cl का प्लस फोर से माइनस वन, फाइव का चेंज. फैक्टर क्या है? माइनस वन से जीरो, वन का चेंज, नंबर ऑफ एटम्स टू, तो टू आ गया. तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O2 विल ऑक्सीडाइज बाय वन मोल ऑफ ClO2? इसका वन मोल है, नंबर ऑफ मोल्स वन इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू इसके मोल्स x मान लेते हैं इनटू n फैक्टर. तो x क्या आ गया? 5/2. क्लियर है क्या? Yes. ठीक है. देन 259 का कौन सा था? 259 का क्वेश्चन नंबर वन. What concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent? Which of the following reaction does not show oxidizing behavior? तो यार सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले वो देखो. फर्स्ट में चेंज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ. हो रहा है, हो रहा है ना. सल्फर SO2 में जा रहा है कि नहीं जा रहा? ठीक है, फर्स्ट वाले हम साफ साफ देख सकते हैं, जो H2SO4 है उसने कॉपर को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया है और खुद रिड्यूस हो गया है. समझाया नहीं आया यार? तो ये खुद रिड्यूस हुआ है और कॉपर जो है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया. तो फर्स्ट वाले के केस में ही जो H2SO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग का काम कर रहा है. अच्छा एक मिनट, डज नॉट शो बोल रहा है. ओके सॉरी सॉरी, फर्स्ट में तो कर ही रहा है. एंड सिमिलरली देखो थर्ड वाले में भी कर रहा है, सेकंड वाले में भी कर रहा है, लास्ट वाले में देखो नहीं कर रहा है. दोनों जगह SO4 है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. लास्ट वाला ऑप्शन देखो, दोनों साइड SO4 है ना, तो ऑब्वियसली वहां पर SO4 है तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ नहीं, तो खुद रिड्यूस भी नहीं हुआ और दूसरे को ऑक्सीडाइज भी नहीं करेगा. क्लियर है क्या? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तीनों में सल्फर रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा. हो गया सबका? और किसी कोई डाउट? किसी को और कोई डाउट है क्या भाई? ठीक है, चलो देन एंड करते हैं. ओके, और ये केमिकल काइनेटिक्स का होमवर्क ग्रुप पे सेंड कर देंगे.